चलो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है आज इस पत्रकार परिषद लेने का मकसद तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि पूरे देश में लोकसभा इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चल रही है, तो उसी के चलते सोलापुर से भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन MM पार्टी भी कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी कुछ उम्मीदवारों से, और कुछ हमारा भी चल रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में हम लोग भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार दें, तो उसी का खुलासा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आने वाले इलेक्शंस में सोलापुर शहर से, सोलापुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से MM पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। हमने इन दिनों में काफ़ी समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा की, तमाम उलेमा लोग, मौलाना लोग, जिम्मेदार नागरिक और हमारी पार्टी के अंदर भी ये सारी बातें भी, तो उसकी सारी चर्चा करने के बाद हम लोग ने एक ब्यौरा फिर से हमारे आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजे यहाँ से हैदराबाद, और एक कॉपी औरंगाबाद हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो अध्यक्ष हैं खासदार इम्तियाज जलील साहब उनको भी भेजने के बाद ऊपर से आदेश आया है कि इस इलेक्शन में MM अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हमें संविधान को बचाना है, तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं वो इस हमारे फैसले का समर्थन करेंगे, और जो संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आज उनको मजबूत लग रही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस पार्टी को साथ देंगे और उस पार्टी को जीता करेंगे। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया अलायंस जब गठबंधन बन रहा था उसी समय उन्होंने संविधान बचाने की बात कही, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं हमारा साथ दीजिए, लेकिन आपको इंडिया अलायंस में तो साथ में नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी या आप उन्हें डराने के लिए कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे या फिर किसी शर्तों के बलबूते पर कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, या कौन सी ऐसी वजह हुई कि आज आपने जो है कैंडिडेट ना उतारने का फैसला लिया? देखिए, हमारी बदकिस्मती की बात है कि इंडिया अलायंस ने हम लोगों को उनके साथ नहीं लिया, लेकिन हमें हमारी प्रेजेंस तो दिखाना है। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हम लोग ने वही कोशिश की। तो हम लोग इतने दिन का जो सर्वे था, जो हम लोग ने हमारे पदाधिकारी लोग से बात की, आवाम से बात किए, लोगों से बात किए, समाज से बात किए, तो सब तरफ से यही हम लोग को यह है कि इस बार हम लोग को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, और हमें जो संविधान को बचा रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ चलना। यानी कि सीधे तौर पर आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? अब इसको आप सीधे तौर पर समझो या कैसे भी समझो, जो संविधान बचाएगा हम उसके साथ। फिर भी आपकी नजर में कौन ऐसी पार्टी है जो ये संविधान की हिफाजत करेगा? मेरी नजर में अभी तो इंडिया अलायंस ही, अगर आप पूछेंगे तो मैं तो क्लियरली बोलूंगा कि इंडिया अलायंस ही ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा कर सकती है भाजपा को रोककर। तो डेफिनेटली देखिए, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आज दौर अलग है और जनता जागरूक है, मतदार को ये पहले दिन से ही पता होता है कि उसका कीमती वोट वो किसे डालना चाहिए और किसके हाथ में यूज करना चाहिए, तो हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जनता को जो लगता है कि अपनी बेहतरी के लिए फलाना उम्मीदवार या फलाना पार्टी हमारे हक में काम करेगी वो उसको चुने। उमेदवार नहीं दुसरे ठिकाणी सुद्धा MM आणि भाजपची लढत व्हायला लागली, तिथं संविधान वाचवण्यासाठी तुम्ही काँग्रेसला का पाठिंबा दिला? देखिए, उमेदवार नहीं मिला ऐसी कोई बात नहीं है, उमेदवार तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, पत्रकार है आप, एक नहीं 10 मिल जाएंगे, और हमारे पास उनकी यादी भी है। और रही बात रमेश कदम साहब की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चर्चा चालू थी, अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि हमारी चर्चा बराबर, मतलब जो आखिरी टप्पे पे जाना था वो नहीं भी, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि चाहे हमें उम्मीदवार नहीं मिला, आप समझ रहे हो जो भी है, मुझे एक दोस्त मिल गया रमेश कदम के रूप में जो कि बहुत अच्छे इंसान है, तो इस लोकसभा इलेक्शन में मैंने रमेश कदम को पाया हूँ, तो हमारी दोस्ती आगे भी बरकरार रहे। और MM पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं मेरा ही एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो 20 दिन में 40,000 वोट लेती है, तो
तो एमआईएम पार्टी के लिए उम्मीदवार और ये तैयारी कोई मायने नहीं रखती। एमआईएम पार्टी बस हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, ये पूरे भारत में गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज की जो बात करते हैं उसके ऊपर चलती है, और उसका सपोर्ट हम लोगों को पूरे हमारे मतदार संघ में, सोलापुर सिटी में ही नहीं, पूरे जिले में ही नहीं, पूरे देश में है, तो हम लोग लड़ सकते थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हमारे समाज में, स्पेशली हमारे समाज में हम लोग ने बात करने के बाद जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी उलेमा लोग हैं, उनकी बात को हम लोग ने मान देते हुए हम लोग ने ये फैसला किया। और मैं नहीं समझता कि मैं इस फैसले से छोटा या बड़ा हो जाऊंगा। जिस फैसले से संविधान बचता है, मेरा समाज खुश होता है, तो उस फैसले में फारूक शाब्दी एक कदम पीछे लेने के लिए हमेशा तैयार है, और वो मैं हमेशा समाज की बेहतरी के लिए जो फैसला लेना है वही लूंगा। संविधान को वाचवण्यासाठी आता तुम्ही लोकसभा मध्ये महाविकास आघाडीला सहकार्य करणे सांगताय, मग विधानसभेला महाविकास आघाडी तुम्हाला सहकार्य करेल का, असं काही बोलणं झालं की काय? देखिए, शर्तों पे दोस्ती नहीं करता फारूक शाब्दी। नहीं, एमआईएम का ये लक्ष्य है कि कुछ शर्त रखो, कुछ कंडीशंस रखो और सामने दोस्ती करो। मैंने आपको बताया कि मैंने संविधान के खातिर, मेरे समाज के खातिर ये फैसला लिया हूँ, और दूसरी कोई शर्त नहीं है। और रही बात एमआईएम की, सबसे बड़ी अगर संविधान रक्षक कोई पार्टी है इन इंडियन पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ एमआईएम पार्टी है। और जिसका उदाहरण आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, देखिए मेरे अगर भविष्य का धोखा, फायदा, नुकसान ये सब मैं देखूंगा तो मैं मेरे समाज की नजरों में नीचे गिर जाऊंगा। अगर मुझे धोखा है लेकिन मेरे समाज की इज्जत बढ़ती है, मेरा समाज का अगर वर्चस्व बढ़ता है, तो फारूक शाब्दी को धोखा मंजूर है और वो धोखा देने के लिए मैं तैयार। ऐसी सिचुएशन अगर विधानसभा के इलेक्शन में आती है और उस वक्त समाज के लोग आपसे कहते हैं कि आप इस बार उम्मीदवार ना बने, तो उस वक्त आप क्या समाज का सुनेंगे या फिर पार्टी का? अभी 6 महीने बाकी है विधानसभा इलेक्शंस को, वो आने दो, उस टाइम पर देखेंगे क्या हालात होते हैं और क्या नहीं होते। विधानसभा की बात विधानसभा के टाइम करेंगे, अभी लोकसभा है, इट्स बेटर वी टॉक अबाउट लोकसभा। एमआयएम ने राज्यात काँग्रेसच्या विरोधात अजून ठिकाणी उमेदवार दिलेले आहेत, मग इतर तुम्ही का नको म्हणाले उमेदवार द्यायला? इतर संविधान वाचवण्याचा प्रश्न येत नाही का पे दिए एमआयएम ने? अभी औरंगाबाद में क्यों दे रहे? औरंगाबाद सिटिंग एमपी है ऑलरेडी, जहाँ पर हमारा खासदार है। मैं यही बोलना चाहता हूँ जनता को कि एमआईएम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है, ना कि अपना उम्मीदवार खड़ा करके किसी और पार्टी को, जो लोगों में एक गलत फहमी है कि उसका फायदा उसको होगा, उसके लिए हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। हम लोग अभी भी सिर्फ 3 सीट पर घोषित हुआ है, एक है औरंगाबाद, एक है हैदराबाद और एक है बिहार में किशनगंज, और ये तीनों सीटों में मैं आज आपको बोल रहा हूँ ये तीनों सीट हम जरूर जीतेंगे। पहिल्या टप्प्यात एमआयएम समाजाकडनं विरोध झाला, त्या एमआयएमच्या पदाधिकाऱ्यांकडनं काय विरोध झाला, असं काय सडनली झालं की आपण उमेदवार द्यायचं ठरवलं? देखिए, जब भी कोई फैसला लेते हैं, जब भी कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल कोई फैसला लेता है, तो उसके दो इफेक्ट जरूर दिखते हैं, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो वही हम लोग को भी देखने मिला, हमारे पदाधिकारियों से भी देखने मिला, और हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे भी देखने मिला। तो यही सब गेज करना होता है, तो हम लोग ने ठाम पने से बोले, मैं आज भी बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, हो सकता है अगला लोकसभा इलेक्शन है मैम लड़ेगी, तो ये सिचुएशन को देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। कल के दिन अलग सिचुएशन हो सकती है, कल के दिन हमारे फैसले बदल सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो भी करंट सिचुएशन है उसके ऊपर चलती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग लड़ना चाहते थे, लेकिन सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम लोग आज इस फैसले पर पहुंचे कि एमआईएम यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। एमआईएमच्या पक्षामध्ये अंतर्गत गटबाजीला कंटाळून तिघा चौघांनी राजीनामा दिलेला आहे आणि तुमच्यावर पण पर्सनली टीका केलेली आहे, नहीं टीका तो ठीक है, मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ, उनसे कोई मेरा कोई वो नहीं है, बुराजगी नहीं है। पर ठीक है, अंतर्गत राजकारण आपको सिर्फ एमआईएम ही क्यों दिख रही है मुझे पता नहीं, आप देश की एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जिसमें अंतर्गत राजनीति नहीं होती, कोई आपस में बैर नहीं होता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो और अनेक जितने भी छोटे बड़े पक्ष है उसके अंदर, इट्स लाइक अ फैमिली। एक घर में अगर 2-4 भाई रहते हैं तो आपस में झगड़े होते हैं, तो इतना बड़ा राजकारण चलाना, पॉलिटिकल पार्टी चलाना, इट्स नॉट इजी, तो इसमें चलते रहता है। तो ये ठीक है, ये इसको आप जैसे जैसे आप हैंडल करते हो तो हैंडल होता है, कभी नहीं कर पाते तो का लोग निकल के चले जाते, तो उसमें कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं।
ओके हर्ष।